जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजनी शांडिल्य। सारण इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खबरों पर। एक तरफ अगर देखा जाए तो विद्युत विभाग यह दावा करता है कि बिजली का ट्रांसफार्मर जले तो 24 घंटे के अंदर बदल दिया जाएगा, लेकिन क्षेत्र में विद्युत संबंधित शिकायत करने पर भी विभाग के कर्मचारी नजरअंदाज कर देते हैं। नया मामला मशरक थाना का है। मशरक प्रखंड के पंचायती बहरौली अंतर्गत ग्राम श्रीनगर वार्ड नंबर 10 में विगत 5 दिनों से पोल टूटकर गिर चुका है। उसके साथ सप्लाई का तार भी जमीन पर टूटकर गिरा हुआ है। इस पर लोगों ने विद्युत विभाग के कनीय अभियंता पर आरोप लगाया है कि वो आम लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं। मशरक थाना परिसर में प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी जमीन संबंधित शिकायत को समाधान हेतु जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पिछले लंबे 3 मामले में 2 का निष्पादन हुआ, 1 जांच पड़ताल के लिए रख लिया गया, नया 1 भी आवेदन नहीं आया। सभी लोगों की समस्या को अंचल निरीक्षक के द्वारा क्रम के अनुसार सुना जा रहा था, जिसमें से दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए 2 मामले का समाधान किया गया। बचे हुए 1 मामले का जांच पड़ताल चल रहा है। विश्व की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था रोटरी इंटरनेशनल की शाखा रोटरी सारण में अध्यक्ष प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में अन्नपूर्णा योजना के साथ नई पारी की धमाकेदार शुरुआत हुई। संयोजक राजेश जायसवाल जी की मौजूदगी में 1 जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र के शुभ अवसर पर अन्नपूर्णा योजना के तहत कटहरी बाग हनुमान मंदिर के पीछे सभी मजदूर भाइयों को भोजन का पैकेट वितरित किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर डे के अवसर पर डॉक्टर को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सारण जिलाध्यक्ष पूजा शर्मा के नेतृत्व में महाजनसंपर्क अभियान के तहत छपरा कचहरी विधि मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल का 9 साल बेमिसाल पूरे होने पर पत्रक बुकलेट किट सैकड़ों अभिवक्ताओं के बीच वितरण किया गया। बारिश से किसानों का चेहरा खिल उठा है। अब इस बारिश के साथ ही किसान धान खरीफ सीजन की खेती में जुट जाएंगे, लेकिन पिछले 2 महीनों से मौसम की बेरुखी से किसान इस बार खरीफ की खेती शुरू करे कि नहीं करे, इसके लिए असमंजस में फंस गए थे। अब यह असमंजस टूट गया है और झमाझम बारिश से फिर उम्मीद जग उठी है। छपरा में आज अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता ने बिहार के छपरा स्थित उपहार मेडिकल रिसर्च सेंटर में आईसीयू लॉन्च किया है। आईसीयू मरीजों की जीवन शक्ति पर नजर रखने के लिए 360 डिग्री कैमरे को और अन्य गैजेट से लैस होगी, जिससे कोलकाता में क्रिटिकल केयर टीम के साथ वास्तविक समय में साझा किया जाएगा। यह पहल अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता के क्रिटिकल केयर विभाग और छपरा में उपहार मेडिकल रिसर्च सेंटर के आईसीयू कक्ष के बीच एक एकीकृत नेटवर्क तैयार करेगी। छपरा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें माननीय विधायक डॉ. सीएन गुप्ता का स्वागत महापौर के द्वारा किया गया। सभागार में बैठे सभी माननीय पार्षदगण एवं अस्थायी सशक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया। सभी वार्डों में हो रहे कार्य एवं पिछले बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की चर्चा की गई। छपरा शहर की सरकार हुई गरीब विरोधी, उजाड़ दिए जाएंगे बिना छत दरवाजे वाले दुकानदार। शहर में पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए नगर थाना चौक से साहेबगंज चौक तक जगह सुनिश्चित किया गया है, लेकिन समस्या पार्किंग से बड़ी यह सामने आ रही है कि फुटपाथी दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चिन्हित स्थान पर पटरी दुकान लगा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अब वह कहाँ जाएंगे। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय पर, मतलब कि 8 बजे ही, दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ।